दोस्तों आज की वीडियो में जो है हमारे पैनासोनिक के यूजर हैं वो आपके साथ जो है वो प्रॉपर डिटेल्स शेयर करेंगे, उनका जो रियल एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पैनासोनिक के एयर कंडीशन में आपको क्या बेहतर चीजें देखने को मिलती हैं, साथ में ही क्या दिक्कत आपको रहती है, वो पूरा एक्सपीरियंस आप जो है आपके अपने यूट्यूब चैनल डील फिक्स करो के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डील फिक्स करो और मैं हूं आपका दोस्त जॉय। तो चलिए हम जो है रोहन जी का एक्सपीरियंस जानते हैं कि पैनासोनिक के साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वो सर्विसेज को कितना एंजॉय कर रहे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डील फिक्स करो पे। दोस्तों इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि जो हमारे यूज़र हैं जो ऑलरेडी सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं एयर कंडीशन की, उनके जेन्युइन फीडबैक जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आज हमारे साथ हैं रोहन सर, जिन्होंने हमको ये मौका दिया है कि वो अपना जो बेटर एक्सपीरियंस है वो एयर कंडीशन का शेयर कर सकें। तो रोहन सर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल डील फिक्स करो पर। थैंक यू सो मच मुकेश जी, थैंक यू सो मच। अभी आप मुझे बताएं कि आपने जो ये एयर कंडीशन बाय किया है पैनासोनिक का, ये जो मॉडल आपने बाय किया है जिसमें आपको कैटेचिन फिल्टर साथ में PM2.5 फिल्टर आपको जो है मिल रहा है, ये एयर कंडीशन आपने कब बाय किया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये मैंने एयर कंडीशनर फरवरी 2019 में बाय करा था मुकेश जी, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक्चुअली इस एयर कंडीशन को बाय करने से पहले मैंने मार्केट स्टडी करी थी, मेरे जो फैमिली फ्रेंड्स थे और रिलेटिव्स थे उनसे मैंने पूछा था। तो उन्होंने मुझे पैनासोनिक का नाम सजेस्ट करा था इसकी परफॉर्मेंस और इसका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन देखते हुए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा तो सर आप हमें ये बताएं कि जो आप ये पैनासोनिक का 1.5 टन का एयर कंडीशन यूज कर रहे हैं जिसका कूलिंग परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है और कैसे आप इसे मैनेज करते हैं, कितना आप जो है वो टेम्परेचर सेट करते हैं? जी मुकेश जी, तो जो पैनासोनिक का कूलिंग परफॉर्मेंस है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बेसिकली जैसा आप देख सकते हैं मेरा 10x10 का कमरा है और मैंने ये टॉप एलिवेटेड इसमें लगाया है इसको ताकि पूरे कमरे को कवर कर सके। तो बेसिकली जब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको तो फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स में जैसे आप देखेंगे ये मेरे हाथ में रिमोट है तो 20 से 25 के बीच में मैं टेम्परेचर सेट करता हूँ इसका फॉर फर्स्ट 15 मिनट्स। तो फर्स्ट 15 मिनट्स में ये पूरा जो भी है कूल कर देता है और उसके बाद में देन मैं 25 से 30 के बीच में इसको चलने देता हूँ ताकि वो मेंटेन रहे। तो वो इलेक्ट्रिसिटी सेवर मोड में भी आ जाता है और कूलिंग बहुत प्रॉपर मेंटेन रहती है मेरे पूरे रूम की। वैसे दोस्तों आप मैं को बता दूं कि जो ये पैनासोनिक का ये जो मॉडल है इसमें आपको PM2.5 फिल्टर मिलता है और कैटेचिन फिल्टर मिलता है जो कि बेस्ट फिल्ट्रेशन है एयर फिल्ट्रेशन के हिसाब से, और आपको जो है वो बैक्टीरिया और हार्मफुल रही जितने भी फ्रेश एयर है वो आप तक प्रोवाइड करता है। तो बेस्ट पार्ट है ये पैनासोनिक की ओर से। हम कुछ और सवाल करते हैं रोहन सर से, जो हम जानते हैं कि क्या आपको इस पैनासोनिक के एयर कंडीशन में मिल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है नॉर्मली आपका जो महीने का बिल कितना आता है, डेली का आपका कितना यूसेज है, कितना आप जो है वो डेली इसे चलाते हैं, कितने घंटे आप इस एयर कंडीशन को यूज़ करते हैं और कितना आपका मंथली बिल आता है? जी बिल्कुल। तो मुकेश जी बेसिकली क्या है, मेरा कमरा जो है फर्स्ट फ्लोर पे है और इसके ऊपर छत ही है, तो गर्मियों के दिन में तो पूरा बहुत गर्मी रहता है बिकॉज छत भी तपता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये एसी लिया था। तो मेरा पूरा दिन भर मेरा ऑफिस वर्क भी चलता है, वर्क फ्रॉम होम ही है, तो बेसिकली क्या है कि दिन भर मेरा एसी चलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार मैं मेरा प्रॉपर एयर टाइट एक मतलब एक तरह से पूरा एक आइसोलेटेड अपना एक वो बना लेता हूँ मैं कमरे में सब खिड़की दरवाजे बंद करके, और फिर मैं 15 मिनट्स के लिए जो है इसको पहले चलाता हूँ 20 से 25 के बीच में, बाकी दिन भर फिर 25 से 30 के बीच में मैं कहीं पे भी सेट करके रखता हूँ। तो इस हिसाब से जो मेरा कंजम्पशन है वो डेली का 10 से 12 घंटे का है और मेरा जो मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है वो अराउंड 1800 से 2000 रुपीज़ आता है। आप आइडियल टेम्परेचर जो है वो कितना सेट करते हैं? सर आइडियल टेम्परेचर तो मुझे 25-24
मतलब सही ये रहता है एक तरीके से, वो बहुत ही सूदिंग टेम्परेचर रहता है, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा तक मतलब इस तरह से गर्मी लगती है, तो वो एक रूम टेम्परेचर के हिसाब से सही रहता है। हाँ वैसे दोस्तों ऑलरेडी हम आपको भी बता चुके हैं कि आइडल टेम्परेचर आपके रूम के लिए क्या होना चाहिए। नॉर्मली आप 25 डिग्री का अगर टेम्परेचर सेट करते हैं तो एक टाइम पर जो इन्वर्टर एयर कंडीशन होते हैं वो टारगेट अचीव कर लेते हैं, उसके बाद आपको जो है वो बिल्कुल स्टेबल कूलिंग परफॉर्मेंस जो है वो दिखने को मिलता है। तो वही रोहन सर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि वो एक स्टेबल जो है वो एक बार अपना टेम्परेचर सेट कर लेते हैं, उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं आती, उनका जो रूम है वो पूरी तरह से कूल रहता है और अच्छी सर्विसेज उनको देखने को मिलती हैं। सर मैं अगला आपसे एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब आपका जो है वो एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा कि आपको सर्विसेज के मामले में पैनासोनिक की ओर से अभी तक कोई दिक्कत आई है, चाहे जैसे कि ऑलरेडी आप जैसा कि स्टार्टिंग में आपने बताया था कि आपको जो करीब करीब 2 साल हो गए इस एयर कंडीशन को लिए हुए हैं, तो सर्विसेज के रिलेटेड अभी तक क्या आपने इसकी कोई सर्विसेज कराई है या फिर आपको पैनासोनिक की ओर से कोई सपोर्ट मिला है या आपने कभी कोई ट्राई किया है? सर ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली जब मैंने ये लिया था तो जब इसका इंस्टॉलेशन होना था तभी जो जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, प्रॉब्लम सर क्या है कि हमारी सिटी में इनके 2 लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो मैं दिक्कत क्या होती है कि वो दोनों लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो भी हैं उनके बीच में एक टाइप का मिसकन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये क्यूरी हम हैंडल करेंगे या दूसरा करेगा। तो मुझे पहले तकलीफ आई थी जब मैंने लिया ही था और इंस्टॉलेशन करवाने के लिए, बिकॉज इंस्टॉलेशन हो नहीं रहा था। मैं बहुत बार मैंने ट्विटर हैंडल पे भी इनके जाकर के ट्वीट करा और इनका जो टोल फ्री नंबर है, इनकी जो वेबसाइट है वहां पे ही मैंने कंप्लेंट डाली, बट इवेंचुअली वो रिजॉल्व हुई। तो जो एक इंप्रूवमेंट कहना चाहिए सर्विसेज को लेकर के, वो मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा अगर ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो सर्विस जो एक सिस्टम है उसको अगर और ज्यादा अच्छी तरीके से बनाए और यूजर फ्रेंडली बनाए तो यूजर्स को बहुत दिक्कत होगी, बहुत अच्छा होगा, बिकॉज प्रोडक्ट तो इनका बहुत ही शानदार है। अच्छा तो पिछले 2 साल के अंदर आपने कोई सर्विसेज इसकी करवाई है, मतलब इसके फिल्ट्रेशन को क्लीन करवाया हो या कोई सर्विसेज एयर कंडीशन की करवाई है अभी तक? सर फिल्ट्रेशन क्लीन तो जो है मैं खुद ही कर लेता हूँ इसका, जो बहुत ही ईजी इसका वो है, इसके ऊपर ही जस्ट फिल्टर लगा हुआ है जो कि बड़े आसानी से निकल जाता है, तो वो तो मैं खुद ही हमारे घर पर जो भी रहता है उसे क्लीन कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनर से। बाकी ऐसे मेरे को कभी भी कोई सर्विस कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो दोस्तों देखिए पैनासोनिक के एयर कंडीशन के परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है, जो कि जेन्युइन फीडबैक सर ने हमको भी दिया है, लेकिन एक मेजर इशू सामने से निकल कर आया है वो सर्विसेज को लेकर है, यानी कि सर्विस सेंटर को अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। ये फीडबैक जो है वो जेन्युइन है कस्टमर की ओर से, तो पैनासोनिक को अगर कोई पेन एरिया है तो वो उसकी कस्टमर सर्विसेज ही हैं, तो उसको थोड़ा सा और मजबूत बनाना चाहिए जिससे कि यूज़र को कोई दिक्कत ना हो। साथ में प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, क्योंकि हम खुद भी देखते हुए आ रहे हैं कि जापान की नंबर 1 कंपनी है पैनासोनिक और काफ़ी समय से जो है एक्सपीरियंस है पैनासोनिक को एयर कंडीशन बनाने में, मास्टर्स हैं और बढ़िया एयर कंडीशन जो है वो अवेलेबल कराते हैं। तो थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए, क्योंकि हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपका ये फीडबैक, ताकि वो भी एक पैनासोनिक अगर एयर कंडीशन लेना चाहे तो उनको भी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो सके। तो आप हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुकेश जी आपका और आपके चैनल डील फिक्स करो का, बिकॉज जिस हिसाब से आपने इसी का वीडियो बनाया था पैनासोनिक का एसी का, हालांकि मैं ये बहुत पहले ले चुका था आपके वीडियो बनाने से पहले, बट मुझे जो आपने एक बारीक से बारीक जानकारी दी, जैसे पीएम जो फिल्टर है इसके बारे में मुझे पहले पता नहीं था, तो बहुत आपका जो नॉलेज जो आप जो भी एक छोटी छोटी बारीक बारीक जो चीज़ें बताते हैं वो बहुत ही हेल्प करती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड थैंक यू फॉर लेटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों देखा आपने जो रोहन जी ने एक बहुत ही ऑनेस्टी से और अच्छी तरीके से आपको जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो दोस्तों ऐसे ही जो इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर आते रहते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाला है, और आप कौन सा एयर कंडीशन जो अपने लिए चुनना चाह रहे हैं या किस पर जो है वो प्रॉपर एक आफ्टर सेल सर्विस जो है कैसा एक्सपीरियंस रहता है यूज़र का वो जानना चाह रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जो है अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स मेंबर के साथ जरूर शेयर करें जिससे कि सभी को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।